हेलो सेवेंथ क्लास, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को जिसका नाम था इंटीजर्स उसका हम पार्ट थ्री, ठीक है, वीडियो थ्री आपको मिलेगा। ठीक है, इस पार्ट थ्री में हम थोड़े से क्वेश्चंस को आगे और बढ़ाएंगे। हमने फाइव क्वेश्चंस तक जो थे वो कर चुके थे। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे आपको इनको नोटबुक में करना है। ठीक है, अगर नहीं आया तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? ईशिता गोस 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईशिता जो है ना वो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाती है, उसके फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए से ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, टू द पॉइंट पी, यानी कि ए से पी की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर, क्योंकि वो बोला कि ए पर जो है ईशिता है, ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर पी तक वो पहुँचती है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। शी मूव्स 40 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब ना वो 40 किलोमीटर वेस्ट की तरफ बढ़ी है, कहाँ से? पी से, क्योंकि यहाँ से वो पहले ही जा चुकी थी, अब यहाँ से 40 किलोमीटर वेस्ट में जाके पहुँची है। सम रोड्स द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। बोला है कि अगर हमने ईस्ट की तरफ को पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि अगर वो ईस्ट की तरफ जा रही है, किसकी, कहाँ की तरफ? ईस्ट की तरफ जा रही है, तो उसको पॉजिटिव से शो करें, यानी कि वो प्लस 10 किलोमीटर बढ़ी है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें शो करना है। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट? तो वेस्ट के डिस्टेंस को, अब देखो पहले वो क्या थी, ए पर थी। ठीक है, वहाँ से वो पी पर गई, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे उसने प्लस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, पर अब वो बोल रही है कि अब वो वेस्ट की तरफ गई, यहाँ से पूरा वेस्ट की तरफ गई, वेस्ट की तरफ इस साइड, ठीक है, जो कि क्यू पॉइंट है, वेस्ट की तरफ। तो अब यहाँ से कितने किलोमीटर टोटल, टोटल जो था वो था 40 किलोमीटर, कितना? 40 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो 40 किलोमीटर पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो बोले कि जब हमने ईस्ट की तरफ वो गया तो हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर में शो किया, तो अब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो कौन से इंटीजर में शो करेंगे? आप ही बताओ, मैंने बताया था ना, कोई चीज़ जब कम हो रही हो तो क्या शो करते हैं? नेगेटिव में। तो यानी कि हम नेगेटिव में शो करेंगे, किस में शो करेंगे? नेगेटिव में, क्योंकि अब वो पीछे जा रहा है ना, पहले तो वो आगे गया प्लस 10 किलोमीटर, अब वो कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। जब पीछे जा रहा है तो यानी कि, और कितना पीछे गया है? आपकी बुक में लिखा है 40 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, माइनस 40 किलोमीटर गया। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है कि हम वेस्ट के डायरेक्शन को नेगेटिव इंटीजर में शो करेंगे। ये पूछ रहा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो लिखेंगे इन नेगेटिव इंटीजर्स वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्स टूवर्ड वेस्ट, इन नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे। ठीक है, इन नेगेटिव इंटीजर्स वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, एक आंसर ये हो गया। इसके बाद है बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब बोल रहा है कि ए से उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा? देखो पी से तो टोटल कितना वो 40 गया, पर ए से कितना पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ए से, देखो पी से तो टोटल ये पी है, ये ए है, ठीक है, और ये है क्यू। देखो पी से ए वो 10 किलोमीटर गया था आगे की तरफ, और ये टोटल यहाँ से यहाँ कितने किलोमीटर गया? 40 किलोमीटर। पर वो पूछ रहा है कि अब बताओ ए से कितना होगा। तो देखो दोबारा पहले वो ए पर आएगा, यानी कि पीछे कितना गया? -10 डिग्री। पहले कितना पीछे जाएगा? -10 किलोमीटर पीछे जाएगा। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस उसका बचा रहेगा? तो अब देखो माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, अब माइनस देखो, पहले अब मैंने आपको बताया पीछे जा रहे तो -40 किलोमीटर, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। -40 किलोमीटर, ठीक है, अब वो पीछे गया है। ठीक है, कहाँ गया है? पीछे। ठीक है, कितना पीछे? पहले तो 10 किलोमीटर पीछे आएगा, पहले कैसे इतना आएगा? पहले पीछे हाफ ऑफ आएगा, पहले 10 किलोमीटर पीछे आएगा, तो 40 में से 10 गया तो -30 बचेगा ना, सिंपल सी बात है। तो 10 किलोमीटर पीछे जाएगा, 10 किलोमीटर और पीछे जाएगा, तो -40 किलोमीटर, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, 10 किलोमीटर, अब प्लस माइनस, -40 में से 10 गए 30 किलोमीटर, अब बड़े के साथ कौन सा निशान है? माइनस। तो अब यानी कि देखो पहले वो 10 किलोमीटर पीछे गया तो 40 में से 10 गए तो -30 ना, तो यानी कि अब उसे और कितना पीछे जाना है? -10 किलोमीटर और उसे अभी पीछे जाना है, क्योंकि -10 वो पहले पीछे आ गए, पहले पूरा गया, ठीक है, यहाँ से गया, पहले 10 पीछे आया, फिर उसके बाद आधा, -10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पीछे गया। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स का ये क्वेश्चन था, इसको ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड का इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले का तो इन नेगेटिव इंटीजर्स वी विल शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स होगा। दूसरे का आंसर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि 40 किलोमीटर टोटल है, ठीक है, और जाना है, और 10 किलोमीटर पहले जाएगा क्योंकि ए से पूछा है।
और फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे -30 डिग्री आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो एंड कॉलम एंड डायगनल्स हैव द सेम सम। ये जो मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर क्यों है, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझाऊंगी मैं आपको कि इसमें ना डायगनल देखो रो एंड कॉलम्स पहले ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 कितने हो जाएंगे 1 2 3 ठीक है इंडिजिट्स को, फिर 1 2 3 तो 6 हो गए, और फिर डायगनल्स भी लेने हैं ऐसे और ऐसे तिरछे में भी लेने हैं किनारों को भी, तो -1 0 2 और -5 0 -1 ऐसे ऐसे ठीक है, सबको अलग अलग सम करना है ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि आप ना इसको ऐसे 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 ऐड करोगे फिर भी वही सेम, ऐसे इस तरीके से भी सेम रो एंड कॉलम्स को अलग अलग ऐड करोगे और डायगनल्स को अलग अलग ऐड करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ये बोल रहा है ठीक है। तो चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है और कौन सा मैजिक स्क्वायर नहीं है। अगर सेम सम आए ठीक है, मान लो इसको सॉल्व कर लो, अगर सेम सम जो है जो ऐड करने पर सेम आता है ठीक है, सबका आंसर एक आता है तो मैजिकल स्क्वायर है, अदरवाइज ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाती हूँ करना कैसे। मान लीजिए पहला रो लेते हैं, ऐसे बना हुआ है ना आपका ऐसे करके है ना, तो पहले क्या है -5 -3 -1 -2 0 7 2 6 -1 ठीक है। तो आप पहले ऐसे करेंगे ऐड, तो -5 +-3 +-1 इसको सॉल्व कर लेना, सिखाया था ठीक है। अब है -2 +0 +7 इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे 2 +6 +-1 इसको ऐड कर लेना ठीक है। तो ये सेम आना चाहिए, अब तिरछे में अब ऐसे जाएंगे ठीक है, अभी तक हमने ऐसे लिया है, अब ऐसे मिलेंगे -5 +-2 +2 ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अब -3 +0 +6 इसको सॉल्व करेंगे, और -1 +7 +1 इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर अगर सेम आता अब फिर अब डायगनल्स भी लेने डायगनल्स में क्या है, दो डायगनल्स बनेंगे, एक बनेगा डायगनल में -5 +0 +-1 ठीक है, प्लस कर रहे हैं इसलिए मैं बीच में सब में प्लस लगा रही हूँ, पर माइनस को इग्नोर नहीं कर रही हूँ आपको। मैंने अगर आपको ये प्रॉब्लम आए कि मैं कैसे करा रही हूँ तो आप क्लास 2 देखिएगा ठीक है, इसका जो दूसरा वीडियो इससे पहले जो गया था आपके पास वो देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने आपको बताया था ठीक है। -1 +0 +2 अब ये आपके रोज हो गए, कॉलम्स हो गए, और ये सारे ये दोनों डायगनल्स हो गए ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख तो आपको आंसर आपको चेक करना है कि इसका सेम आ रहा है या नहीं, तब तो ये मैजिकल स्क्वायर है, अदरवाइज ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। और फिर इसी तरीके से दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है, तो ये आपका काम है ओके। ना क्वेश्चन नंबर 8 पे आप पहुँचते हैं हम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 होमवर्क है, 8 में कुछ नहीं है, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मैंने आपको 6th क्लास में सिखाया था वेरीफाई कैसे करते ठीक है। वेरीफाई करना है कि x - -y = x + y ठीक है। वेरीफाई करना है कैसे, अब फर्स्ट पॉइंट में ना एक सॉल्व करके बता देती हूँ। x की वैल्यू दे रखी है 21 और y की वैल्यू 18। आपको मालूम है 6th क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे करते हैं, दो वैल्यू दे रखी, देखो x की वैल्यू x की जो वैल्यू x की जगह डालो, y की वैल्यू जो है वो y की जगह डालो, और दोनों तरफ LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लो, अगर सेम आ रहा है तब तो आंसर वेरीफाइड हो जाएगा हमारा ठीक है। और वैल्यू ऑफ x y तो दिया हुआ है अब देखते हैं हम तो लेते हैं ठीक है। एक है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक है हमारा RHS राइट हैंड साइड ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - y = x + y है ना। अब इसको देखते हैं x क्या है, 21 माइनस ठीक है, माइनस एक और है, और y की जगह क्या डाल दिया 18, इधर भी x की जगह 21 + 18। अब बताओ 21 - -18 और ये भी प्लस कर दो, 21 + 18 है, इन दोनों को जोड़ो कैसे सेम आएगा, आएगा 8 और 9 39 = 39 आ गया ना, आया ठीक है। तो 39 = 39 तो LHS RHS के बराबर है, तो लिख देंगे वेरीफाइड ठीक है, वेरीफाइड। तो आपका ये आंसर हो गया। तो आपका जो है इसी तरीके से, अभी इधर क्या वैल्यू है, x की जगह 118 और y की जगह 125 ठीक है। तो इधर डालना जैसे मैंने आपको ये सिखाया वैसी वैल्यू डालेंगे आप, और दोनों साइड को सॉल्व कर देंगे। इधर है थर्ड पार्ट में 75 x की वैल्यू और y की वैल्यू 84, तो ये भी ऐसे होगा, इधर x की वैल्यू 28 और y की वैल्यू 11, और इसको जब वैल्यू LHS RHS में डालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ठीक है प्रॉपरली।
ये मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया था कि कैसे करना लास्ट टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको देखते हैं लास्ट क्लास में या फिर लाइव क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगी कैसे करना है, नहीं तो आप कोशिश करिएगा कि कैसे करना है इसको देखिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं लाइव क्लास में ये समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन क्या है, अभी समझाना पॉसिबल नहीं होगा, इसमें मंकी वाला है, ठीक है। कुछ नहीं इसमें, वाटर टैंक पे है जिसमें मंकी है, ठीक है, वो उसके उतरने और चढ़ने के बारे में कि कितना वो जंप करता है एक बार में और कितना पीछे जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। 10 जो है मैं लाइव क्लास में समझा दूंगी आपको डायरेक्टली, और अब आपका होमवर्क है आज का 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 तो मैं पहले ही, 6, 7, 8 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्लास व कॉपी ले लीजिए, ठीक है, बुक ले लीजिए, क्योंकि फिर ये मैथ्स बेटा आप लोग भूल जाएंगे अगर रिवीजन आपकी नहीं हो पाएगी तो। अब यही है जो मैंने आपको क्वेश्चन जो समझाएं, जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मैम ने जो समझाया वो मुझे समझ आया ही नहीं, ठीक है। और ऐसे में तो आपको समझ आया क्योंकि मैंने तो एक पार्ट दिया है, बाकी का होमवर्क आपको बुक में से दिया है मैंने, तो बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्लास है, ठीक है। आज एक्सरसाइज हमारी 1.1 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल, कुछ ऐसे होमवर्क भी हैं जो आपको करना है, एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं दे पाया होगा तो। लास्ट क्लास में मुझे याद नहीं कि दिया है कि नहीं, पर एक बार क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपका ये भी एक होमवर्क है, ठीक है। 5 तक इवन इसमें देखना है 3 से ही डिवाइड है हो रहा है या नहीं, ठीक है। हो रहा है तो यस लिख लेना, अदरवाइज नो। कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4, इसमें पता करना है कौन सा 4 से डिविजिबल है, इसमें पता करना है कौन सा डिविजिबल है 11 से, चेक करना है, ठीक है। और रूल्स मैंने आपको 6th क्लास में बताए थे कि रूल्स क्या है, प्रॉपरली मैंने सारे रूल्स आपको समझाए थे, ठीक है। अब इसे को प्राइम बताने हैं कि कौन सा को प्राइम है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर, आप एलसीएम लेते हो ना, ठीक है, एलसीएम के फॉर्म में जो फैक्टर आपको सिखाए थे मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में, नहीं तो आप लास्ट क्लास की बुक उठाना 6th क्लास की, उसमें देखना कि मैंने बताया आपको को प्राइम फैक्टर बताना, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, को प्राइम डिविजिबिलिटी रूल बताए थे 3 के 4 के 11 के, ठीक है। तो ये आप रूल 6th क्लास की बुक से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये रिविजन वर्क इसलिए ये वो 6th क्लास से रिलेटेड है, तो 5 तक ये क्वेश्चन और इसमें भी 1, 2, 3, 3, ठीक है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आप करिएगा और प्रॉब्लम रखिएगा कि मैम ये नहीं हुआ, फिर मैं लाइव क्लास में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी।